everyone, welcome back to SIS classes. Today I will read the new chapter of chemistry, which is the chapter number 8, chemistry in your life. This is a requested video for example exam purpose. So aap log ke exam hone wale hain, jitne bhi ICSC board ke student hain, un sabhi ke exam hone wale hain September ke last mein. Theek hai, to hum log kya kar rahe hain is samay, hum log exam ke purpose se jo chapter aane wale hain unhi ko hum log padh rahe hain. तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और प्लीज़ अपने फ्रेंड के साथ इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा. ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं इसका. केमिकल रिएक्शन हैव बिकम एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर लाइफ. टुडे इफ़ वी लुक अराउंड वी ऑब्जर्व डैट ऑल डे टूडे नीड्स एम्प्लॉय केमिकल्स स्टार्टिंग फ्रॉम आवर टूथपेस्ट and soap to socks, from unspilled and glassware in kitchen to food, substance like common salt, curd and cheese, further alcohol, wines, can be made only with the help of commercial reaction. The high building vehicles and space shuttle all employs the basic principle of chemistry. So, बताया जा रहा है कि केमिकल रिएक्शन जो हैं वो आज अब की लाइफ में हमारे लिए इतने ज़्यादा ज़रूरी हुए हैं, मतलब इतना ज़्यादा हम लोग उनका यूज़ करते हैं कि हम लोग सुबह उठते हैं और शुरुआत भी किसे करते हैं, टूथपेस्ट जो हम लोग यूज़ करते हैं वो भी क्या है, केमिकल रिएक्शन से तो बना है. ठीक है, उसके बाद जो हम लोग सोप इस्तेमाल करते हैं नहाने के लिए, साबुन जो इस्तेमाल करते हैं वो भी क्या है, केमिकल रिएक्शन से बना है. सॉक्स क्या है, वो भी केमिकल रिएक्शन से बना है. जो ग्लासवेयर हम लोग यूज़ करते हैं, ग्लास वगैरह शीशे का, ठीक है, मेटल का, तो वो भी किस केमिकल रिएक्शन से बना है. किचन में जो फूड सबस्टेंस होते हैं जैसे सॉल्ट हो गया या दही हो गया या चीज़ हो गया, कर्ड चीज़, ठीक है, ये सारे जो हैं वो केमिकल रिएक्शन से बने हैं. फर्दर अल्कोहल हो गया, वाइन्स हो गया, कैन बी मेड ऑफ ओनली द हेल्प ऑफ केमिकल रिएक्शन. ये सारी चीज़ें वो किससे बनी है, केमिकल रिएक्शन के हेल्प से बनी है. हाई बिल्डिंग्स, बड़े बड़े बिल्डिंग्स जो होती है, व्हीकल एंड स्पेस शटल्स जो होती हैं, उनके एम्प्लॉय बेसिक प्रिंसिपल किसका यूज़ करते हैं, केमिस्ट्री का. तो आप समझ रहे हो कि केमिकल मतलब केमिस्ट्री की शुरुआत ही हम लोग अपने शुरू दिन से कर रहे हैं, मतलब दिन में शुरू हो रहा है और हम लोग बस केमिकल का यूज़ करना शुरू कर दे रहे हैं. तो टूथपेस्ट हो, चाहे वो दही हो, चाहे वो सॉल्ट हो, ये सारे ही केमिकल रिएक्शन से मिलके बने हैं. तो आप लोग समझ सकते हो कि केमिस्ट्री में जो केमिकल्स वगैरह होते हैं वो हमारे डेली लाइफ के लिए कितने ज़्यादा इसेंशियल हैं. ठीक है, तो केमिस्ट्री डील विद द बेसिक प्रोडक्ट डैट यूज इन योर डे टू डे लाइफ. इसीलिए इस चैप्टर का नाम रखा गया है केमिस्ट्री इन योर लाइफ. केमिस्ट्री जो है वो डील करती है ऐसे बेसिक प्रोडक्ट से जिसको आप रोज़ाना अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हो, और ये प्रोडक्ट जो होते हैं वो सारे बने होते हैं केमिकल रिएक्शन से. जैसे द केक यू ईट कंटेन बेकिंग सोडा, जो केक आप खाते हो वो बेकिंग सोडा से मिलके बना होता है, वो भी क्या है, केमिकल रिएक्शन है. जो फूड तुम खाते हो टेस्ट गुड बिकॉज फॉर कॉमन साल्ट, उसमें टेस्ट डालने के लिए सॉल्ट डालते हैं, वो भी केमिकल रिएक्शन से बना होता है. जो स्वीटेंड ड्रिंक्स होती है जैसे बिकॉज ऑफ शुगर, हम लोग पीते हैं क्यों, क्योंकि उसमें शुगर मिला होता है, ये भी केमिकल रिएक्शन है. ऑनियन टेस्ट जो होता है, प्याज का जो टेस्ट होता है, वो विनेगर की वजह से होता है. द एयर वी ब्रीथ, जो हम सांस लेते हैं उसमें भी गैसेस आ रही हैं, उसमें भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है, ऑक्सीजन हो, नाइट्रोजन हो, कार्बन डाइऑक्साइड हो, विच कैन बी स्टडीड अंडर केमिस्ट्री. इन सारी चीज़ों का यूज़ हम लोग करते हैं केमिस्ट्री के अंदर, इन सारी चीज़ों को हम लोग स्टडी करते हैं. तो आप समझ रहे हो कि केमिस्ट्री हमारी लाइफ में कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. हमारी लाइफ की जो शुरुआत हो रही है वो केमिस्ट्री केमिकल सबस्टेंस से यूज़ हो रही है. तो सी द पिक्चर एंड चूज़ द प्रोडक्ट डैट यू सी फॉर फॉलोइंग पर्पज. तो यहाँ पर जितने भी प्रोडक्ट दिए गए हैं वो सारे केमिकल रिएक्शन से मिलकर ही बने हैं. तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट वाले से. फॉर वॉशिंग हेयर, आप अपने वॉश को हेयर करने के लिए किस कैम यूज़ कर रहे हो, तो यहाँ पर शैम्पू, ये शैम्पू जो दिखा रहा है आपको पैंटीन का शैम्पू यहाँ पर दिया हुआ है, तो ये भी क्या है, केमिकल रिएक्शन से मिलकर बना है. फॉर मेकिंग बिल्डिंग, बिल्डिंग को बनाने के लिए जिस चीज़ का यूज़ होता है वो है सीमेंट. सीमेंट भी किससे बना है, केमिकल रिएक्शन से मिलकर बना है. फॉर क्लीनिंग टीथ, हमारे दांतों को साफ करने के लिए जो टूथपेस्ट बना है वो भी केमिकल रिएक्शन से बना है. फॉर ईजीएस्ट पेंसिल वर्क, हमारे जो ईजीएस्ट पेंसिल वर्क करने के लिए तो पेंसिल बनी है, वो भी केमिकल रिएक्शन से मिलकर बनी है. ठीक है, इरेजर पेंसिल वर्क था तो वो रबर जो है यहाँ पर वो भी क्या है, इरेजर भी यहाँ पर किससे बना है, केमिकल रिएक्शन से मिलकर बना है.
फॉर राइटिंग ऑन ब्लैक बोर्ड, तो राइटिंग ब्लैक बोर्ड पर जो हम लिखते हैं चॉक, वो भी केमिकल सबस्टेंस से मिलकर बना है। फॉर फिलिंग इन पेन, पेन में जो हम इंक भरते हैं वो भी केमिकल्स से मिलकर बना है, केमिकल रिएक्शन से। फॉर मेकिंग मसल्स, मसल्स को मजबूत बनाने के लिए जो हम लोग प्रोटीन्स वगैरह खाते हैं वो भी केमिकल रिएक्शन से मिलकर बना है। टू रिड्यूस द बॉडी टेम्परेचर ड्यूरिंग हाई फीवर, हाई फीवर जो हम फीवर हो जाता है तो टेम्परेचर को कम करने के लिए जो दवाएँ हम खाते हैं मेडिसिन, वो भी केमिकल रिएक्शन से मिलकर बना है। फॉर वॉशिंग क्लोथ, क्लोथ को साफ़ करने के लिए जिस डिटर्जेंट का हम लोग यूज़ करते हैं वो भी, चाहे वो कोई भी डिटर्जेंट हो, वो केमिकल रिएक्शन से मिलकर ही बना है। टू गेट अ नाइस फ्रेगरेंस, जो नाइस फ्रेगरेंस मतलब परफ्यूम का यूज़ करते हैं हम लोग, तो वो भी क्या है, केमिकल रिएक्शन से मिलकर बना है। एब्जॉर्ब स्वीट, पसीनों को सोखने के लिए, ठीक है। तो ये सारे की चीज़ें क्या हैं, वो सारी चीज़ें टॉप का यूज़ करते हैं हम लोग पाउडर का, वो भी क्या है, केमिकल रिएक्शन से मिलकर बना है। तो दस वी सी डैट, हमने क्या देखा कि मोस्ट ऑफ आवर नीड्स, हमारी जो ज़्यादातर ज़रूरतें हैं वो फिल हो रही हैं केमिकल कंपाउंड के ज़रिए ही। दस इट बिकम वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टडी अबाउट केमिकल कंपाउंड, तो हमारे लिए ये केमिकल इन केमिकल कंपाउंड के बारे में स्टडी करना, इनके बारे में जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है भाई, जब हम शुरुआती केमिकल कंपाउंड से कर रहे हैं। थ्रू द ब्रांच ऑफ साइंस कॉल्ड केमिस्ट्री, ठीक है, तो साइंस की ये जो केमिकल कंपाउंड के बारे में स्टडी करते हैं साइंस की, इसी ब्रांच को हम लोग क्या बोलते हैं, केमिस्ट्री बोलते हैं। ओके बच्चों, तो मैनी ऑफ द साइंटिस्ट, बहुत सारे साइंटिस्ट तो जो थे उन्हें उनका बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रहा है इस सेक्शन ऑफ केमिस्ट्री के डिवाइड होने में। तो लेट अस स्टडी अबाउट द साइंटिस्ट एंड कंट्रीब्यूशन इन डे टू लाइफ, तो कुछ हम इनमें से कुछ साइंटिस्ट के जो कंट्रीब्यूशन रहा है कुछ बनाने में या कुछ इन्वेंशन करने में, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं जो हमारे डे टू डे लाइफ में आजकल क्या है, यूज़फुल होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं लुईस पाश्चर की। लुईस पाश्चर एक फ्रेंच केमिस्ट थे, ये माइक्रोबायोलॉजिस्ट रिनोट थे फॉर डिस्कवरीज ऑफ प्रिंसिपल ऑफ वैक्सीनेशन, ठीक है। तो ये क्या थे, ये रिनोवर्ड मतलब इनको इनाम, मतलब इनको एक अवार्ड दिया जा चुका है माइक्रोबायोलॉजिस्ट केमिस्ट के नाम से, जिन्होंने डिस्कवरी की थी वैक्सीनेशन प्रिंसिपल की। वैक्सीनेशन मतलब आप लोग कोरोना की वैक्सीन लगाने जाते हो ना, तो वही वैक्सीनेशन प्रिंसिपल की, तो माइक्रोबियल फर्मेंटेशन एंड पास्चराइजेशन की, इन दो चीज़ों का इन्होंने क्या किया था, डिस्कवरी किया था। तो पास्चराइजेशन क्या होता है, तो हंड्रेड्स ईयर ओल्ड मतलब 100 साल पहले ये यूज़ होता था डिस्ट्रॉयड पैथोजेंस थ्रू द सिंपल हीट। तो जो पैथोजन थे, पैथोजन क्या होते हैं पहले मैं आपको ये बता देती हूँ, तो पैथोजन जो होते हैं वो वही बैक्टीरिया वगैरह, वायरस वगैरह, फंजाई वगैरह, ऐसे पैथोजन मतलब जो हमारे शरीर को क्या हो, जो हमारे लिए हार्मफुल हो, हमारे अंदर क्या हो, डिजीज़ पैदा करें, तो उन्हीं पैथोजन को डिस्ट्रॉय मतलब उन सब को, उस पैथोजन को मारने के लिए सबसे सिंपल मतलब जो प्रोसेस का यूज़ किया गया था वो था हीट। इज़ अ बेस्ट नोन रोल ऑफ मेकिंग मिल्क, जैसे कि मिल्क जूसेस सेफ कंसप्शन, ठीक है, मेसमी जूसेस कंसप्शन। फ्रेंच केमिस्ट माइक्रोबायोलॉजिस्ट लुईस पाश्चर इन्वेंटेड द स्ट्रेट फॉर फूड सेफली टेक्निक, तो जो लुईस पाश्चर थे उन्होंने जो ये टेक्निक बनाई, ऐसी टेक्निक बनाई जिसमें क्या था कि हम लोग किसी भी चीज़ को जो हम लोग खाते पीते हैं फूड वगैरह, उसको हम सेफली क्या होते स्ट्रेट कर सके, उसको मतलब अच्छे से रख सके। फिर है दूसरा हमारा हेनरी कैवेंडिश। हेनरी कैवेंडिश जो थे वो एक ब्रिटिश नेचुरल फिलोसोफर थे एंड साइंटिस्ट थे, जिन्होंने जो एक केमिस्ट भी थे एंड फिजिस्ट भी थे, ठीक है। तो इन्हें हम लोग डिस्कवरी ऑफ हाइड्रोजन और व्हाट ही कॉल्ड इनफ्लेमेबल एयर, ठीक है, इन्हें हाइड्रोजन की डिस्कवरी के लिए और इनफ्लेमेबल एयर की डिस्कवरी के लिए भी जाना जाता है। तो इन 1976 हेनरी कैवेंडिश ऑब्टेन दिस गैस इज एडिंग सल्फ्यूरिक एसिड इन टू जिंक, तो उन्होंने इस जो उन्होंने जो खोजा था, यानी कि हाइड्रोजन का जो इन्वेंशन किया था, ढूंढा था इसको, तो जिंक के साथ उन्होंने क्या किया, उसको ऐड किया। ही स्टडीज द प्रॉपर्टी ऑफ गैस एंड टर्फ इन्फ्लेमेबल, ही प्रूव द वाटर फॉर्म व्हेन गैस इज बर्नड एयर, उन्होंने क्या कहा कि मतलब उन्होंने क्या प्रूफ किया कि वाटर जो होता है वो बनेगा, कब बनेगा, व्हेन दिस गैस हाइड्रोजन इज बर्नड इन एयर, जब हाइड्रोजन को हम लोग जलाएंगे तो क्या होगा कि वाटर के फॉर्म में वो निकलेगा। तो क्यों निकलेगा, क्योंकि हाइड्रोजन जो हम लोग का H2O है, यानी वाटर जो है उसका फॉर्मूला क्या होता है, हमारे वाटर का फॉर्मूला होता है H2O, यही होता है ना हमारा फॉर्मूला, इसमें हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल होते हैं, यानी इसमें वाटर भी कुछ मिला होता है, तो इसलिए, ठीक है। फिर है हमारा हाइड्रोजन स्कार, तो उन्होंने ये भी बताया कि मतलब एक समय ऐसा आएगा
जब जो फ्यूल है वहाँ पर हाइड्रोजन का यूज़ करेगा, जैसे हाइड्रोजन कार। मैनी एक्सपेरिमेंटल कार्स डैट रन टू हाइड्रोजन हैव ऑलरेडी बीन बिल्ट। तो ऐसे बहुत सारे एक्सपेरिमेंटल कार बन चुके हैं जिनमें हाइड्रोजन का यूज़ किया गया है, ठीक है। द फ्यूल इज़ नॉट फ्रॉम हाइड्रोजन बट कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन। जो फ्यूल है उस थ्रू अप में हाइड्रोजन का यूज़ नहीं किया, लेकिन हाइड्रोजन कंपाउंड का यूज़ वहाँ पर हुआ है। जब कंपाउंड को गर्म किया जाता है तो हाइड्रोजन गैस क्या होती है, रिलीज होती है। हाइड्रोजन इज़ वन ऑफ द लाइटेस्ट गैस। हाइड्रोजन जो है वो सबसे ज़्यादा लाइटेस्ट गैस है। वाज बीइंग यूज्ड इन वेदर फॉरकास्टिंग बैलून इन अर्लियर डेज, ठीक है। तो पहले के दिनों में जो यूज़ होती थी बैलून्स में, बट नाउ, लेकिन अभी हाइड्रोजन गैस की जगह पर रिप्लेस किया गया है हीलियम को, क्योंकि हीलियम जो है वो बहुत ज़्यादा हल्की गैसेस होती है। बैलून्स वर कॉज्ड अ एयरशिप डिज़ास्टर, क्योंकि हाइड्रोजन के वजह से क्या होता है, एक एयरशिप डिज़ास्टर हुआ था, मतलब एक दुर्घटना हुई थी 1930 में। तो इस ड्रॉबैक के कारण ही हाइड्रोजन गैस को बैलून में अब क्या है, फिल नहीं किया जाता। इसका फ्लेम जो है फॉर्मिंग एक्सप्लोसिव मिक्सचर ऑक्सीजन इन द एयर, ठीक है। तो ये ऑक्सीजन एयर में देता है, तो फॉर्मिंग एन एक्सप्लोसिव मिक्सचर विद ऑक्सीजन द एयर। तो अब हम लोग जो गैस वाले बैलून होते हैं, जो आप लोग देखते हो बहुत उड़ते हुए आसमान में, उसमें क्या भरा होता है, हीलियम गैस भरी होती है, ये आप लोग याद रखना, ठीक है। फिर है डेनियल रदरफोर्ड। तो डेनियल रदरफोर्ड जो थे वो एक स्कॉटिश फिजिशियन थे एंड केमिस्ट थे एंड बॉटनिस्ट भी थे, हु इज़ मोस्ट फेमस फॉर आइसोलेशन नाइट्रोजन इन 1772। जिनको जो एक फेमस आइसोलेशन नाइट्रोजन थे, ठीक है, उन्होंने किया था 1772 में। नाइट्रोजन एक इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है एयर का, ठीक है। हमारे जो एयर है उसमें मतलब सब चीज़ों से मिलकर बनी होती है, उसमें कुछ मात्रा में कार्बन होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, कुछ मात्रा में ऑक्सीजन होती है, कुछ मात्रा में नाइट्रोजन होती है। तो नाइट्रोजन भी एक इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है हमारी एयर का। इट इज़ इनएक्टिव कंपोनेंट विच इज़ यूज टू स्लो डाउन रेट ऑफ रिस्पिरेशन एंड रेट ऑफ कम्बस्टन। ये जो होती है इनएक्टिव होती है कंपोनेंट होती है, जो कि यूज़ होती है स्लो डाउन, मतलब बहुत कम यूज़ होती है रेट ऑफ रिस्पिरेशन में एंड रेट ऑफ कम्बस्टन में। इट प्रोवाइड एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर। ये बहुत मतलब ये कहाँ मिलती है, जहाँ पर एक्सट्रीमली बहुत ज़्यादा लो टेम्परेचर रहता है वहाँ से प्रोवाइड होती है ये। देयर फॉर यूज टू स्टोर कॉर्निया आई एंड ब्लड इन लेबोरेटरी, ठीक है। इसीलिए क्योंकि नाइट्रोजन का जो आप देख रहे हो टेम्परेचर लो पे मिलती है, इसलिए यहाँ पे क्या कहते हैं, इसका यूज़ जो होता है वो स्टोर करने में होता है। क्या स्टोर करने में यूज़ होता है, कॉर्निया ऑफ आई की जो कॉर्निया होती है ना वाइट, वो उन्हें स्टोर करने में, एंड ब्लड को लेबोरेटरी में जो ब्लड स्टोर होता है वो भी नाइट्रोजन के टेम्परेचर पर ही क्या होता है, होता है, क्योंकि नाइट्रोजन जो होती है वो बहुत एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर पे रहती है, ठीक है। तो नाइट्रोजन में जो होती है वो आल्सो यूज्ड होती है फिलिंग द पैकेजिंग ऑफ चिप्स। जो चिप्स के पैकेट होते हैं वो भरे भरे होते हैं, और जब थोड़ा उनको फाड़ दो तो थोड़ा सा ही निकलता है ना, तो उसमें नाइट्रोजन ही फिल होती है, ओके। बिकॉज इट प्रिवेंट्स ऑक्सीडेशन एंड कीप द फूड क्रिस्प एंड फ्रेश। क्योंकि ये जो होती है ये ऑक्सीडेशन को, मतलब जो मॉइस्चराइज़र होता है उसको मतलब दूर रखती है, तो इसीलिए इसका यूज़ किया जाता है पैकेजिंग में, जिससे जो कुरकुरे या चिप्स वगैरह होते हैं वो काफ़ी क्रिस्पी निकलते हैं ना एंड फ्रेश होते हैं। तो फ्लैश फ्रीजिंग, अब हम फ्लैश फ्रीजिंग की बात करें तो फ्लैश फ्रीजिंग रिफर करता है प्रोसेस ऑफ वेरियस इंडस्ट्री वेयर बाई फूड आइटम फ्रोजन टू वेरी स्मॉल टाइम सब्जेक्टिंग टम द क्रायोजेनिक टेम्परेचर और डायरेक्ट कॉन्टैक्ट लिक्विड नाइट्रोजन 196 डिग्री सेल्सियस। दस द कैन ईजी फ्लैश फ्रीजिंग यूज टू फूड इंडस्ट्री क्विक फ्रीज पर्सनल नॉन पर्सेबल फूड आइटम्स। तो मतलब कुछ फूड आइटम्स ऐसे भी होते हैं जिनको बहुत कम टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, तो उनको हम क्रायोजेनिक टेम्परेचर पर ही क्या करते हैं, उनको रखते हैं, जैसे कुछ लिक्विड वगैरह हो गया, कुछ भी ऐसा हो गया। सो नेक्स्ट है हमारा, ओके, नेक्स्ट है हमारा एप्लीकेशन ऑफ केमिस्ट्री इन योर डेली लाइफ। एप्लीकेशन का मतलब कि हमारी जो डेली की लाइफ है उसमें केमिस्ट्री का क्या यूज़ है। तो फूड एंड केमिस्ट्री, मोस्ट ऑफ द फूड, अधिकतर जो फूड आइटम्स होते हैं केमिकल कंपाउंड्स आइदर ऑब्टेन नेचुरली और प्रिपेयर्ड आर्टिफिशली। तो अधिकतर जो फूड आइटम्स होते हैं वो या तो केमिकल कंपाउंड से मिलके बने होते हैं, या फिर वो नेचुरली मिले होते हैं, या फिर आर्टिफिशली। तो बहुत सारे केमिकल कंपाउंड जो होते हैं कॉमन, जैसे साल्ट एंड शुगर यूज होते हैं प्रिजर्व फूड लाइक पिकल्स, जैम्स, इवन गिव टेस्ट टू फूड। तो आपने देखा होगा कि जब मम्मी लोग अचार बनाती हैं तो उसमें नमक डाल के रखती हैं ना, और जैम्स वगैरह जो होता है उसमें भी नमक डाल के रखा जाता है। तो नमक क्या कर रहा है, एक प्रिजर्व का काम कर रहा है, मतलब शुगर या नमक जो है वो एक प्रिजर्वेशन का काम कर रहा है, जो फूड को क्या रखता है, लंबे समय तक मतलब सुरक्षित रखता है, ठीक है, उसको सड़ने गलने से बचाता है।
तो सम यूज़फुल कंपाउंड यूज इन फूड इंडस्ट्री, कुछ यूज़फुल कंपाउंड जो होते हैं वो फूड इंडस्ट्री में यूज़ होते हैं, जैसे कॉमन साल्ट, इट इज़ इसेंशियल फॉर आवर डाइट। कॉमन साल्ट ये हमारी डाइट के लिए, बैलेंस डाइट के लिए भी ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि सॉल्ट में क्या होता है, सॉल्ट में सोडियम होता है ना, इट इज़ ए यूज्ड एज इन प्रिजर्वेशन पिकल्स एंड क्यूरिंग मीट एंड फिश। फिश को या फिर मीट को, इस सब को प्रिजर्व करने के लिए भी उसमें नमक डाला जाता है, ठीक है। फूड प्रिजर्वेशन जैसे बेंजोट्स हो गया, सोडियम बेंजोनेट, बेंजोइक एसिड, नाइट्रेट, सल्फर डाइऑक्साइड आर कुछ केमिकल कंपाउंड है जो फूड प्रिजर्वेशन में यूज़ होते हैं, ठीक है। तो कुछ प्रिजर्वेशन फूड आइटम यहाँ पर दिए हुए हैं, इनका इनका प्रिजर्व कैसे करेंगे हम, बेंजोइक एसिड का यूज़ करके, बेंजोनेट सोडियम का, ठीक है। तो इस तरह के केमिकल कंपाउंड का यूज़ करके हम लोग करेंगे। शुगर, शुगर जो होता है वो एक स्वीटेंड कंपाउंड है जो मीठा होता है, मोस्टली ऑप्टेंड होता है शुगर कैन जूस से, शुगर कैन जूस यानी कि गन्ने के जूस से, ठीक है। तो ये कंपाउंड होता है बिल्ड विस्कस मीडिया फॉर प्रिवेंट्स ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो ये एक ऐसा कंपाउंड है जो कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनको ग्रो करने के लिए बहुत कम प्रिवेंट देता है, इसीलिए इसका यूज़ किया जाता है जैम में एंड जेली में, जिसकी वजह से ये ज़्यादा देर तक बचे रह सकते हैं, मतलब इनको ज़्यादा देर तक प्रिजर्व करके रखा जा सकता है। चौथा है हमारा कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड। ए कार्बोहाइड्रेट इज़ ए बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल कंसिस्टिंग ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। दे आर मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर अवर बॉडी। अवर डाइजेस्टिव सिस्टम कैन चेंज कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स इंटू सिंपल शुगर सच एज ग्लूकोज, सोडे, डैट दे कैन एब्जॉर्ब बाई अवर बॉडी। द लॉन्ग स्ट्रेट चेन पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज इज स्टार्च, इट इज़ प्रेजेंट इन फूड स्टफ लाइक पोटैटोज, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट जो है वो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल है जो कंसिस्टिंग होता है कार्बन से एंड हाइड्रोजन से, ठीक है, तो एंड ऑक्सीजन से भी। तो दे आर मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी, जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी है, क्योंकि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में ये चेंज करता है कॉम्प्लेक्स सिस्टम को, एंड शुगर सच एज ग्लूकोज हमें ग्लूकोज प्रोवाइड करता है, एंड दे कैन अब्जॉर्ब बाई हमारी बॉडी, हमारी बॉडी के द्वारा ये फिर एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। तो लॉन्ग स्ट्रेट चेन जो होती है पॉलीमर की, वो स्टार्च में कन्वर्ट होती है, एंड ये प्रेजेंट होता है स्टफ लाइक पोटैटोज में। हमें सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट किस में मिलता है, पोटैटोज में मिलता है, है ना। तो द ब्रांच लॉन्ग चेन पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज इज सेलुलोज इज प्रेजेंट इन ग्रीन लीव्स, ठीक है। तो ये पॉलीमर जो होता है ग्रीन लीव्स में पाया जाता है, तो हमें इन दोनों से क्या मिलता है, कार्बोहाइड्रेट्स मिलता है। फिर है प्रोटीन्स। प्रोटीन्स जो होती है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड होती है जो कंटेन करता है नाइट्रोजन को। प्रोटीन हेल्प करती है ग्रो में, बिल्ड अवर बॉडी, हमारी बॉडी के बढ़ने में, एंड रिप्लेस वन आउट बॉडी पार्ट्स, और हमारे बॉडी के जो इंजरीज पार्ट होते हैं, वन पार्ट होते हैं, उनको ये रिप्लेस करने में हेल्प करती है। द प्रोटीन्स प्रेजेंट इन प्लांट्स एंड नॉन प्लांट्स प्रोटीन, एंड प्रोटीन प्रेजेंट इन एनिमल आर एनिमल प्रोटीन्स। तो जिस एनिमल्स में प्रोटीन प्रेजेंट होगा उसे एनिमल प्रोटीन्स बोलेंगे, एंड जिस प्लांट्स में प्रेजेंट होगा प्रोटीन उसे प्लांट्स प्रोटीन बोलेंगे। तो यहाँ पर कुछ राजमा या अरहर की दाल और यहाँ एग है और फिश है जो प्रोटीन के बेस्ट सोर्स हैं, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, इसके आगे के वीडियो में हम और भी चीज़ें क्लियर करेंगे। तो अगर आपको मेरी वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को, एंड शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड के साथ। थैंक यू, कीप वॉचिंग।